एडवांस एक्सेल की क्लास में हम बात कर रहे थे क्लिपबोर्ड के बारे में, और क्लिपबोर्ड के बारे में हमने बात की थी पेस्ट स्पेशल। हमने बताया था कि पेस्ट स्पेशल के अंदर में हम फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, एक्सपेक्ट बॉर्डर, कॉलम बेस, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू जो नंबर फॉर्मेट क्या होता है। साथ में हमने ऑपरेशंस के बारे में ही बात की थी, ऑपरेशंस का क्या यूज है। तो आपको मैं रिसर्च दिया था कि इन ऑपरेशन का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसका एक नोट बना के भेजने के लिए। और शैलेंद्र जी और बरखा जी, आपके तरफ से कोई मेल मुझे रिसीव नहीं हुआ है। सर मुझे ध्यान है, कल मेरा थोड़ा बिजी था ऑफिस में। आई ठीक है, डेफिनेटली सेंड यू द ईमेल। काम ऑफिस में काम है, अच्छी बात है, क्योंकि ऑफिस में काम है तभी तो सॉरी नौकरी सलामत है। तो चलिए हम बात करते हैं, हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 20 हमने यहाँ पर लिखा और 30 यहाँ पे हम लिख रहे हैं। 20 को अगर 30 के ऊपर नॉर्मली प्लेस करते हैं तो 30 20 से रिप्लेस हो जाता है। राइट क्लिक करके जब पेस्ट स्पेशल में जाते हैं तो पेस्ट स्पेशल में हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एड या डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों के बीच में कैलकुलेशन होता है, रिजल्ट पेस्ट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रिजल्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि इसका यूज क्या करेंगे। तो जैसे कि मैं खासकर इसका यूज करता था कि हमें क्या होता था कि हमारे पास एक सेल्स फिगर आते थे प्रोडक्ट वाइज। अब मुझे ये चीज उनको भेजना होता था, अपने जो रिपोर्टिंग पर्सन है उनको रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी कि किसने कितनी क्वांटिटी सेल की है। अब क्या थे कि उनमें से एक ऐसे स्टूडेंट थे कि वो बोलते थे कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि पूजा ने प्रोडक्ट वन कितना सेल किया है, हमें बताओ कि उसने अपना टारगेट कितना अचीव किया है, कि हमने जो टारगेट दिया था उस टारगेट में जो कितना टारगेट रिसीव किया है, अचीव किया, सॉरी। तो उसके लिए क्या था कि सबका टारगेट हमारा फिक्स होता था, टारगेट जो होता था वो फिक्स होता था। और टारगेट होता था जैसे मान लीजिए कि 85 सबको टारगेट दिया गया है, अब मुझे हर नंबर को 85 से डिवाइड करना है। तो हम इकट्ठा इसको कॉपी करते थे, पूरे एरिया को सेलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यही पे हम कर देते थे डिवाइड। तो हर नंबर डिवाइड हो जाता था 85 से, और परसेंटेज के लिए हम परसेंटेज पे क्लिक करते थे तो परसेंटेज आ जाता था। इसके अलावा अब तो चलो यहाँ पे एक चीज हुआ कि हाँ आपका ये डेटा है, लेकिन कई केसेस में क्या होता था कि हमारे पास डेटा नहीं फॉर्मूला होते थे। जैसे कि मैं यहाँ रैंक बिक्री का फॉर्मूला लगा दिया, अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है, और हर कॉलम में डिफरेंट फॉर्मूला, ऐसा नहीं है कि सब फॉर्मूला सेम है, चलो मैंने एक बार डिवाइड में 85 करके ड्रैग कर दूंगा। तो प्रोडक्ट वन का कुछ और फॉर्मूला है, प्रोडक्ट टू का कुछ और है, प्रोडक्ट थ्री का कुछ और है। अब मुझे क्या करना होता है कि हर फॉर्मूले के अंदर जाके डिवाइड बाई 85 करना होता है, कॉलम बाइज कॉलम, फिर इसको ड्रैग करके फिर इसके ऊपर हम परसेंटेज अप्लाई करते थे। तो आप यहाँ पे एक चीज भी कर सकते हैं कि हम टारगेट को कॉपी किए और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और जब मैं इस पे डिवाइड करूंगा, यहां मैंने वैल्यू नहीं ले रखा है, तो यहां हम ओके करते ही सबके फॉर्मूले के अंदर आप देखेंगे कि डिवाइड हो गया, इंडिविजुअली हर एक के अंदर गया और इसको इसने डिवाइड कर दिया। चर्चिल जी यस सर, कैसी तबीयत है मॉर्निंग आपकी? सर। बेटर सर, पहले से अभी मतलब परफेक्ट नहीं है बट बेटर है, बट पहले सर। तो बरखा जी, सुरेंद्र जी, समझ में आपको कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं? सर ये देखिए नॉर्मल और फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल फॉर्मूला मतलब मतलब जैसे पहले डेटा आएगा आपने तो नॉर्मल डेटा को से, डिवाइड करके रिजल्ट दे देगा, लेकिन मैं हाँ फॉर्मूला चेंज नहीं करना चाहता हूँ ना, क्योंकि मेरी जो इस पे जो फिगर है वो मैनुअली टाइप की गई फिगर नहीं है, किसी फॉर्मूले से लाई गई फिगर है ना। तो हमारे एप्लीकेशन तो सेम ही रहेगा ना दोनों हाँ केसेस सेम में, ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। राइट? अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो है टारगेट फिक्स नहीं है, टारगेट हमारे पास हर प्रोडक्ट का, हर पर्सन का डिफरेंट है,
जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और सिक्वेंसली हमने इसको अरेंज कर लिया है कि सेल 64 है, टारगेट 45 था, सेल 13 है, टारगेट 64 था, सेल 39 है, टारगेट 13 है, सेल 89 है, टारगेट 90 है। तो हमें क्या करना है कि 64 को 45 से, आपका 13 को 64 से, 39 को 13 से डिवाइड करना। तो हम कल भी चीज का जिक्र किए थे कि हम मैनी टू मैनी भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी, बट सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो पेस्ट स्पेशल में हम डिवाइड करेंगे, तो जिस सीक्वेंस में ये है सेम सीक्वेंस से उठ के आएगा और यहां से डिवाइड करते हुए रिजल्ट देते हुए चला जाएगा। ठीक है प्रकाश जी, सिलेंदर जी, चचल जी, तो डाउट इसमें? Yes, no. ये हाँ हमारा इस तरह से और भी चीजें इसकी हम यूज करते हैं। अब बारी आती है कि मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ सेल है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको क्रॉस चेक करवानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सेल्स की कुछ क्वांटिटीज हमने यहाँ डाली, अब मुझे इन क्वांटिटीज पे कमीशन या इंसेंटिव इस तरह कुछ देना है। अब इसके आगे और पीछे और भी डेटा हो सकता है, फिलहाल इसको हम नहीं समझते हैं कि डेटा है, लेकिन समझ लीजिए कि इसके आगे भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो मुझे क्या करना है कि हर नंबर को चेक करना है। तो हमने ये काम अपने क्यूसी टीम को दे दिया, क्रॉस चेक टीम को दे दिया। क्रॉस चेक टीम ने क्या किया, चेक किया अपने मैनुअल डेटा या किसी और डेटा से। चेक करने के बाद उनको कुछ करेक्शन लगा, तो उन्होंने इसके बगल में करेक्शन को रख दिया। ठीक है, तो उन्होंने ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं किया, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे 14 नहीं 41 है, गलती से टाइप हो गया 14, 85 है, तीन पीस रिटर्न हो गया। इस तरह के जो है हमारे पास कुछ चेंजिंग है, मतलब कि हजारों के डेटा में कुछ 100 का चेंज है, अब मुझे इसको अपडेट करना है। तो आपको वन बाय वन कॉपी पेस्ट करना पड़ सकता है कि कॉपी कीजिए फिर से पेस्ट कीजिए, कॉपी कीजिए फिर पेस्ट कीजिए, क्योंकि जो ब्लैंक है ना उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, मतलब सही है। जैसे आप इसको कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट करोगे तो ब्लैंक भी पेस्ट हो जाएगा ना, तो ब्लैंक को नहीं रखना है, मतलब कि हमें कॉपी करते समय ब्लैंक को स्किप कर देना है। तो एरिया को या अपने कॉलम को कॉपी करेंगे, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल में मैं यहाँ आपको दिख रहा होगा स्किप ब्लैंक, दिख रहा है ना? यस सर। प्रकाश जी, दिख रहा है आपको? यस सर। स्किप ब्लैंक पे क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे, ये देखिए 73, 17, 65, चेंज हो गया सर। सलेंदर जी, सचिन जी, समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। चलो तो इक्वल्स टू अब बी कॉलम सेलेक्ट करेंगे तभी भी तो हो जाएगा ना, नहीं होगा क्या? इक्वल टू, अगर इक्वल्स टू करके और ये बी कॉलम सेलेक्ट करके और कंट्रोल डी करते हैं पूरा ए रो में, नहीं नहीं तो फिर ब्लैंक भी आ जाएगा ना, ब्लैंक क्या करेंगे अभी आप? अगर ये तरीका नहीं अपनाते हैं तो आपको ये तरीका करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले फिल्टर लगाना पड़ेगा, फिल्टर लगाने के बाद फिर आपको ब्लैंक को सिलेक्ट करना होगा और फिर इस ब्लैंक को, माफ ब्लैंक हटाना होगा और फिर यहाँ पे इक्वल लगा के इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि 17 और 60 के बीच में देखिए गैप है ना, 13 और 18 दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फाइंड एंड सिलेक्ट के गो टू स्पेशल में जाके विजुअल सेल्स ओनली करना होगा, ताकि जो हमारा विजुअल है फिल्टर के अंदर में सिर्फ वही डेटा सिलेक्ट हो, पीछे का डेटा सिलेक्ट ना हो। Then, आप इसको करेंगे कंट्रोल बी, कंट्रोल बी करते ही आपका जो है सिर्फ लिंक हो जाएगा, उसके बाद आप कंट्रोल एल करेंगे, देखिए ये लिंक है ना? Yes. उसके बाद वैल्यू पेस्ट कर लेंगे। तो इतना झमेला क्यों करेंगे जब सिंपल सा स्किप ब्लैंक का सिस्टम है तो, या फिर आपको यहाँ पे इफ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि इफ अगर ए इक्वल टू जीरो है
तो ए कॉलम को शो करो, नहीं तो बी कॉलम को शो करो, फिर इसको नीचे ड्रैग करना होगा, समझे? यस सर। तो तरीके ना बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है ना कि जो सिंपल तरीका है वही मैं आपको बताऊंगा। कॉम्प्लिकेटेड तरीका में क्या होगा कि फिर आपका टाइम और अपना एफर्ट वेस्ट करेंगे, समझ गए? यस सर। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए ट्रांसपोज को। पेस्ट एज ए ट्रांसपोज, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चार्ट वगैरह बनाते हैं तो डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, उसको हमें वर्टिकल में कन्वर्ट करना, या वर्टिकल है तो उसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए ट्रांसपोज यूज करते हैं। जनरल सी बात है, ये आप लोगों को भी पता होगा, पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज, ठीक है? अब बात करते हैं पेस्ट एज ए लिंक की। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस डेटा को लिंक करना है दूसरे डेटा से, दूसरे शीट से, तो जाहिर सी बात हम इक्वल प्रेस करेंगे, जाएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहां आपके सामने लिंक हो गया, ड्रैग करना पड़ेगा तो डेटा आ जाएगा। आ गया सर? लेकिन मुझे जो है ना कुछ स्पेशल लिंक करना है, क्योंकि इक्वल से लिंक करने के बाद दिक्कत हो जाती है कि सीक्वेंस में आता है, हमें कुछ कुछ चाहिए। जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल से हमने इसको सिलेक्ट किया, सॉरी एक मिनट, हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल से इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर वापस हमने इसको सिलेक्ट किया, देन इसको सिलेक्ट किया, फिर कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक कर देते, ठीक है? या फिर आप एक एक करके भी कर सकते हैं कि आप यहां पे पहले हमने नेम को से कॉपी किया और यहां पे हमने राइट क्लिक पेस्ट एज ए लिंक कर दिए, फिर मैंने सेल को सिलेक्ट किया, टारगेट को सिलेक्ट किया और इसके बगल में पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक कर दिया, फिर वापस गए, हम परसेंटेज को सेलेक्ट किए, कॉपी करते हैं और यहां पे हम राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक कर, समझ गए? तो क्या होगा कि अगर सीट वन पे कोई चेंज होता है, जैसे 45 जो है वो 75 हो जाता है, तो एंटर प्रेस करते सीट थ्री में भी आपका 75 हो जाएगा। तो सेम सीट अनदर फाइल हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बरखा जी, चर्चिल जी, सुरेंद्र जी, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी हमें पेस्ट एज ए पिक्चर करना है। जैसे आपके सामने मैंने एक एरिया को फॉर्मेट कर दिया, मैं चाहता हूँ ये पिक्चर बन जाए, ग्राफिक्स में बन जाए, तो हम इसको कॉपी करेंगे और यही पे पेस्ट स्पेशल, और ये आपको दिख रहा होगा स्पेशल में पिक्चर, हमने क्लिक किया तो आपके सामने आ गया। आ गए? अब इसको आप छोटा कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, रोटेट कर लीजिए, जैसे मर्जी ऐसे रोटेट कर लीजिए, यहां से समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो सर। नो नो सर। बट क्या है कि ये दूसरे में आपस में लिंक नहीं है। जैसे इसको हम यहां से कोई चेंज करते हैं, जैसे 13 को 31 करके एंटर मारा तो यहां पे चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ ना सर? तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमें पेस्ट स्पेशल में क्या करना होगा, कॉपी और राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहां पे पेस्ट एज ए लिंक, क्या करना होगा, पेस्ट एज ए लिंक। पेस्ट एज ए लिंक आप यहां कीजिएगा तो ये आपस में लिंक हो जाएगा। तो लिंक हुआ पे पिक्चर तो नहीं हुआ ना, तो पिक्चर के लिए आपको पहले यहां पे कॉपी कीजिए और पेस्ट स्पेशल के अंदर में ही या ऊपर में ही आपको दिखेगा पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक।
पेज से पिक्चर लिंक करेंगे तो ये देखिए लिंक हो गया। अब इसको भी अपने इसके फोटो की तरह आप इस पर अपनी मर्जी से जो करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ भी फायदा और भी है कि अगर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि पेज से जो नॉर्मल लिंक में आप फॉर्मेटिंग को नहीं कॉल कर सकते। अभी देखा होगा थोड़ी देर पहले मैंने पेज किया तो सिर्फ डेटा आया था, फॉर्मेट नहीं आया था। अब यहां मैं कलर करता हूं तो यहां भी आपको कलर हो जाता है, ठीक है। और कोई डेटा चेंज होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 91 करके चेंज किया, एंटर मारते देखिए 91 हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत और आती है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक मनी का डेटा ऐड किया, एक नया डेटा नया पे ऐड किया। अब मैं चाहता हूँ पिक्चर में सम्मिलित हो जाए, तो क्या मुझे दोबारा कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे? देखिए हर एक ऑब्जेक्ट एक्सेल के अंदर में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट किसी न किसी फॉर्मूले से कनेक्ट होता है। जब आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो ऊपर आपको यहाँ फॉर्मूला दिखता है, दिख रहा है? अब इस फॉर्मूले को क्या है कि 10 तक है, मैंने इसको चेंज करके 11 करके एंटर प्रेस कर दिया, तो देखिए ये आपका 11 का डेटा भी नीचे आ गया, ठीक है बलखा जी? यस सर। अब इसकी जो पेज से लिंक हमने सेम सीट अनदर फाइल पे कर सकते हैं, साथ में हम इसको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जैसे भी जियो पे कर सकते हैं, आउटपुट को ले जियो पे कर सकते हैं। कैसे? चलिए हम वर्ड पे गए, एक नया फाइल लेते हैं, इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, तो नॉर्मल डेटा लिंक हो रहा है, नॉर्मल डेटा लिंक भी कर सकते हैं या पेस्ट स्पेशल में हम इसको पेस्ट एज ए लिंक, और यहाँ हम एचटीएमएल फॉर्म भी कर ले या फिर एक्सेल सीट कोड ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए लिंक होता है। अब एक्सेल के ऊपर भी चेंज होता है, जैसे कि मैं एक्सेल पे आता हूँ और मैं कवि को कलर कर देता हूँ, आप देखिए यहाँ कवि कलर हो गया ना मैम? Yes, sir. अब राइट क्लिक करके हमें, कभी कभी नहीं होता है, कभी इस पर सिचुएशन होती है, तो राइट क्लिक करके आप अपडेट लिंक कर देंगे तो हो जाएगा। साथ में अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो वापस एक्सेल पे चलाऊंगा। उसी तरह से आप पावर पॉइंट के अंदर भी कर सकते हैं कि पावर पॉइंट पे भी एक्सेल से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पावर पॉइंट पे डालनी पड़ती है और बार बार उसको अपडेट करना पड़ता है, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पेस्ट स्पेशल पेस्ट लिंक सिलेक्ट किया। अब बात आती है कि आउटलुक पे क्या करेंगे, क्या आउटलुक पे मेल करते समय लिंक कर देंगे, जब आपको मेल जाएगा मैं यहाँ चेंज करूंगा तो वहां भी चेंज हो जाएगा? ऐसा नहीं है, आपने मेल चेंज कर दिया तो कोई चेंजिंग नहीं है। जब मेल चेंज करने के बाद कोई चेंजिंग नहीं है तो फिर क्या बेनिफिट है? तो चलिए आपको बताते हैं एक स्टोरी। यहाँ पे एक और स्टोरी आ गया, हमने एक स्टोरी आपको बताया था फाइल लोकेशन सिस्टम के बारे में, एक और स्टोरी इसमें आ रहा है। स्टोरी है कि मुझे क्या है कि हर 10 मिनट पे, जैसे जब मान लीजिए 25 तारीख के बाद जब मंथ एंड स्टार्ट होता है हमारा, तो हमें सेल्स टीम को, मैं सेल्स कोऑर्डिनेटर था उस समय, तो सेल्स टीम को हर आधे घंटे पे या हर एक घंटे पे मुझे सेल्स का अपडेट देना होता है। तो सेल्स का सब कुछ सेम होता है, बस हमें क्या करना होता है कि पिवट टेबल को रिफ्रेश करके या फिर डेटा फॉर्मूला लगा हुआ होता था उसको रिफ्रेश करके और हमें भेज देना होता था। ये मुझे हर एक घंटे पे करना होता था, मतलब हर एक घंटे पे मैं मेल कंपोज करता था, मैं यहाँ पे 2 डालता था, जैसे आईपीटी दिल्ली जो भी ईमेल आईडी है हमने डाल दी, सीसी डालना है, 2 डालना है, सब्जेक्ट डाल दी हमने सेल्स अपडेट। उसके बाद यहाँ पे जो लिखना है नरेशन, यहाँ पे डियर सर बिलो आर सेल्स अपडेट इन मंथ 2020 और उसके बाद हमें एक्सेल का डेटा कॉपी करके पेस्ट करना होता था और पेस्ट करने के बाद मेल कर देना होता था।
अब इसमें नेक्स्ट टाइम क्या है कि फिर कंपोज करना है, फिर सारा चीज लिखना है और फिर पेस्ट करना है, या फिर फॉरवर्ड कर देते थे या रिप्लाई कर देते थे प्रीवियस रिपोर्ट, नीचे का चीजें डिलीट मार के फिर नया लिख देते थे। तो कहने का मतलब है कि मुझे बार बार हमें मेल करना है तो बार बार कंपोज करके कुछ ना कुछ हमें चेंजिंग करना पड़ सकता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमने डिलीट कर देता हूं इसको, लिख दे देता, पहले इसमें हमने क्या किया, पेस्ट स्पेशल किया और पेस्ट स्पेशल में पेस्ट लिंक और इसको सिलेक्ट करके ओके कर। इससे क्या होगा कि अब मैं चेंज करूंगा अपना कोई भी रिपोर्ट तो यहाँ चेंज होगा, यहाँ कहाँ चेंज होगा, कंपोज मेल में, सेंड होने के बाद चेंज नहीं होगा, कंपोज मेल में चेंज होगा, और देखिए चेंज तो हुआ नहीं। तो चेंज नहीं होने के कारण है इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, अपडेट तब चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसको सेंड करने से पहले इसको सेव एज करना होगा, सेव एज किस पे करना है, आउटलुक टेम्पलेट, और एक लोकेशन लेते हैं और उस लोकेशन पे हम इसको कर देते हैं सेव। हो गया, अब इसको सेंड कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आपके डेस्कटॉप पे देखिएगा टेस्ट नाम का एक इस तरह का चिट्ठी का बना हुआ सिंबल आ गया। अब मैंने क्या किया कि कल के डेट में हमारा या 10 मिनट बाद एक घंटे बाद मेरा रिपोर्ट चेंज हुआ, मैं क्या करता हूँ इसका कलर चेंज कर देता हूँ ग्रीन, और कहीं कहीं पे कर देता हूं येलो, और जिसको येलो करता हूं उसका रेट मैं बढ़ा देता हूं। अब मुझे एम रिपोर्ट मेल करना है तो अब मुझे आउटलुक में जाके कंपोज सिंपल नहीं करना है, हमें सिर्फ टेस्ट पे डबल क्लिक करना है, एक मैसेज देगा ये करने का, मैसेज पूछेगा यहाँ पे दिख रहा है कि कंटेन लिंक रेफर टू अदर फाइल, डू वांट टू अपडेट, यस कर दीजिए, अपडेट करके एक नई फाइल खोल देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका मेल रेडी टू सेंड है, जहाँ पे आपके टू डाले हुए हैं, आपके आप सब्जेक्ट डाला हुआ है, नरेशन लिखा हुआ है, डेटा आपका अपडेटेड है, थैंक्स लिखा है, सब कुछ डाला हुआ है। अब क्या करना है आपको, जस्ट सेंड करना, और नेक्स्ट टाइम फिर वापस चेंज होगा, फिर वापस सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है, इससे आपका काफी टाइम बच जाएगा। मतलब कि आपके बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं, हालांकि छोड़ एक्सेल लिंक की बात ही छोड़ देते हैं, आप लोग जो मेल वगैरह भेजते हैं कि भाई आपको जो है वीकली रिपोर्ट हम इसको भेजते हैं, कंपेयरिंग रिपोर्ट हम इसको भेजते हैं, कैप्टरेट रिपोर्ट इसको भेजते हैं, सबका टैम्पलेट बना सकते हैं ताकि हर बार मेल कंपोज करके उसके सी टू टू और भी जो चीजें हैं वो डालने की जरूरत आपको ना पड़े। जैसे एक्सेल टैम्पलेट था ना, सेम इसी तरह से आउटलुक टैम्पलेट भी क्रिएट किया जा सकता है। तो बरखा जी, सिलेंदर जी एंड चचल जी, समझ में आया? जी यहाँ पे एक्सेल सीट भी खोल के रखनी पड़ेगी ये साथ में, और वर्ड की सीट भी खोल के रखनी पड़ेगी साथ में अपडेट करने के लिए। खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे आप अपडेट लिंक पे करेंगे ना तो बैकएंड में खोल लेगा, खुला हुआ है जल्दी अपडेट हो जाएगा, नहीं तो टाइम लेगा। जब डबल क्लिक कीजिएगा ना, जब उस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो आपका फाइल बंद भी होगा ना, फिर भी खोल के वहां पे पहुंचा देगा आपको। क्या बोले थे बरखा जी, मैं सुन नहीं पाया। सर जैसे इसमें हमने आउटलुक में बॉडी ऑफ द ईमेल में हमने ये कंटेंट पेस्ट किया था, पेस्ट स्पेशल किया था, अगर मेरा डेटा ह्यूज है और मेरे को सिर्फ एक्सेल में जो भी है चेंजेस हाईलाइट करने हैं, तो कैन वी डू दैट वेज एज वेल, मतलब अटैचमेंट में चेंजेस अगर करें और ऐसे करके एक टेम्पलेट बना लें, क्योंकि जैसे आप अटैच करते हैं ना फाइल, आपका वो फाइल कॉपी होके पीएसटी में चली जाती है, आपकी पीएसटी लोकेशन में। ओके, तो अटैचमेंट आपका है तो आपको दोबारा अटैच करना पड़ेगा। ओके, थ्री नहीं कहती है, प्रैक्टिकल कभी करके देखा नहीं, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा, और कोई डाउट? नहीं सर। सर चेंजेस इसके अंदर सिर्फ अपन ही कर सकते हैं ना?
क्या बोल रहे हैं, या फिर मेल मेल के अंदर अगर अपन डबल क्लिक करते हैं डेटा पे, तो अभी आपने दिखाया था ना कि ये डायरेक्ट लोकेशन पे आपके बात सिस्टम पे है, तो आप चेंज कर सकते हैं, आपके सिस्टम से बाहर गया नो चेंजेस, ठीक है, तो उनके लिए तो सिर्फ ये रीड ओनली है ना, मेल चला गया तो आपका सिस्टम का सिस्टम आपस में लिंक थोड़ी है, ठीक है, क्या लग रहा है लिंक है आपस में? नहीं सर, वो ही मेरे को था कि इसके अंदर पॉसिबल तो नहीं है ना ऐसा कुछ। अच्छा, अगला जो टॉपिक आता है, जो हमने पिक्चर लिंक के बारे में पढ़ा ना, तो अगला टॉपिक है हमारा पिक्चर लुकअप। अच्छा, कितने लोग वी लुकअप जानते हैं? जानते हैं, यूज करते हैं थोड़ा बहुत। आप जानते हैं बरका जी? हां जी सर। और आप सिलेंदर जी? नहीं सर, मैंने वी लुकअप और पॉयलर टेबल दोनों को यूज नहीं किया कभी। वी लुकअप यूज नहीं किया कभी आपने? नहीं, नहीं। और आप सर चचल जी? यस सर, यूज किया सर वी लुकअप। सर सिलेंदर जी यूज नहीं किए हैं, बरखा जी यूज किए हैं, और मैंने भी किया हुआ है सर, मतलब वी लुकअप तो यूज करते हैं डेली, अब उसमें कुछ नया है तो नहीं किया, सिर्फ नॉर्मल नया नहीं, क्योंकि उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है। देखिए वी लुकअप में क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पूजा का डेटा चाहिए, तो आप क्या करते हैं, वी लुकअप लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और डेटा यहाँ पे देते हैं कि मुझे P1 का डेटा चाहिए, तो कॉमा 2 कॉमा 0 करते हैं, तो पूजा का डेटा आ गया ना 45। यस, यहाँ ओम करते हैं तो ओम का डेटा आ जाता है, क्या सर? यस सर, यस सर। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे पूजा का फोटो चाहिए, यहाँ पे पूजा का फोटो लगा हुआ है, समझे? फोटो पे नहीं लगाया सर कभी। क्या? फोटो पे नहीं लगाया सर, डेटा मतलब पे लगाया। मुझे इसके पिक्चर लुकअप करना, मान लीजिए आपने एक कॉलेज का डेटा बनाया, कॉलेज का डेटा आपने बनाया, और कॉलेज के डेटा में आपने वी लुकअप की मदद से उसकी पूरी डिटेल, कि इसका नाम क्या है, फादर नेम कब है, कब उसने ज्वाइन किया था, कैसे क्या किया था, आपने कर लिया, ठीक है। लेकिन 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 उसकी जो बाकी डिटेल्स हैं, फोटो है, फोटो मान लीजिए, या मार्कशीट है जो फोटो फ्यूर में है, वो आपको लुकअप करना है, तो वो कैसे लुकअप करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं पिक्चर लुकअप मेथड। अब पिक्चर लुकअप मेथड जो है थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें थोड़ी सी फॉर्मूले वगैरह यूज की गई है, तो डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको क्या किया है, उसकी जो रिकॉर्डिंग है ना अभी व्हाट्सएप की है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी उस रिकॉर्डिंग को बैठ के आराम से देख ले, कल जो है इस पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने रिकॉर्डिंग देखने के लिए क्यों बोला आपको, क्योंकि डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आता। बरखा जी, आप एक बार व्हाट्सएप में हाई लिख के भेजेंगे, आपका नंबर तो नीचे चला गया है। श्योर सर, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है? तो फटाफट अभी जो वीडियो मैंने भेजा है उसको एक बार आप अच्छे से बैठ के देखें, फिर हम कल इस पिक्चर लुकअप के बारे में बात करेंगे, जिसमें पता चलेगा पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक का कितना बेहतरीन यूज है, समझे? यस सर। आपको क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ रिपीट करवाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।